Is this mic working? Inka mic on? Coming. Dot, dot, dot. I think the mic is not working. Par to second best pe jata hai. Also, I want to know ki ye 3 R lagane ki kya zarurat padi isme, Hunterrr mein? 3 R hai na inme. Wo kam se kam 3 bari try karta hai, to jaake kuch hota hai. Fabulous. Ab ye script jab aapke paas aayi, sirs Vikas and Vikram, what was it about the story of Hunterrr ki aapko laga ki ise banani chahiye? Vikram instantly felt that he could relate to it. So I was disowning it. I said ki nahi, aisa nahi hota hai. He bole nahi, aisa hi hota hai. I threw a tantrum in there. So him being the senior one, we had to just go with it. Aapke bhi kya friends ke saath aisa hua hai Vikram, jo jaise ki Harsh ne kaha? I was the friend. Fabulous. Kya hum expect kar sakte hain Hunterrr se when it hits cinema halls? Families, will families go and watch this film together? Is that going to happen? Of course, if they go as a family, they have to. They must go, otherwise families won't happen. Agar aapko family banani hai, to apni family ko lekar jaiye. It's a family entertainer. Family entertainer. Now another thing that we're waiting for, of course we're going to be talking to the music team also in a while, but abhi tak music ke bare mein zyada kuch khulasa nahi hua. Can you shed some light batour producers? The music is also coming of age. Very mysterious this film is. Zyada kuch offer nahi kar rahe producers. Music director hai yahan pe. He's done some, it's a fantastic album. Yeah. नाम खामोश है बट इज अ म्यूजिक टू ऑफ कोर्स इन्होंने ही दामन पे दाग लगाया है. अभी मैं सर आपको बुलाती हूँ, लेकिन एक एक सवाल और आ गया मेरे जहन में. गुलशन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप ट्विटर पे मंदार पोंक्ष जो इस वक्त कर रहे हैं ट्विटर पे, मतलब बहुत डेयरिंग हुई अगर आप लोगों ने फॉलो किया कि नहीं किया. हुमा कुरेशी, सोनाक्षी सिन्हा, इन्हें भेजी जा रही है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट. क्यों कर रहे हैं आप कर रहे हैं या ये लोग करवा रहे हैं आपसे? वो तो आप सोच लो कौन कर रहा है, वो मैं नहीं बताऊंगा. बताने की कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है. इस बात से हम लोग निकाल लेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा ना. लेकिन जब तक डेयरिंग नहीं करेंगे तब तक हासिल कुछ कैसे कर पाएंगे. तो एक ऑर्डिनरी इंसान जो बहुत साधारण सा है लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तीरे मार देता है वो निशाने पे, तो वो डेयरिंग करने से ही होता है ना. तो इसीलिए डेयरिंग कर रहे हैं. फिल्म में कह रहे हैं लेकिन सेकंड बेस्ट पे लाइन मारी और खुद मार रहे सोनाक्षी सिन्हा पर. स्ट्रेटजाइज तो नहीं, वो क्या है ना कि अभी हमने थोड़ा चेंज कर लिया है अब आपने. हाँ, इट्स ऑनलाइन ना, असली जिंदगी में तो हिमाकत नहीं करेंगे. ट्विटर पे कोई देख नहीं सकता किसी को. वही है ना कि मतलब दिखते नहीं हो, मतलब पता नहीं कौन हो, कुछ भी कर सकते हो, वो चक्कर है ना. अभी लग, लेकिन किसी हीरोइन ने मंदार पोंक्ष को रिप्लाई तो नहीं किया मेरे ख्याल से अभी तक. किसी ने घास नहीं डाली कि डालिए? नहीं, वो तो फर्स्ट बेस्ट वाले ऐसे करते हैं. सेकंड बेस्ट वाले तो मतलब. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग ऑन वेरी क्विकली. अभी तक हमने वी जस्ट टच्ड अपॉन द सब्जेक्ट. उन इंसान 6 ट्रैक्स है मूवी में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. 7 ट्रैक 7.5. ये आधे ट्रैक की कहानी क्या है? 7.5 ही निकालनी थी. 7.5 बनी भी वैसी है फिल्म. पैसे खत्म हो गए, आधा बना के वो छोड़ो. विकास, बात करो तो स्टूडियो बंद करो. नहीं बट ये आधे ट्रैक के पीछे की क्या कहानी है? 7.5 क्यों? नहीं, एक गाना है जो गाना नहीं है. है भी और नहीं भी है. मतलब इतनी है मगर नहीं है. अच्छा, इतना ही समझ में आया सर. उसके आगे समझ नहीं आया, बट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस एल्बम से, जो 7 पूरे गाने हैं उनसे एटलीस्ट. एल्बम, हाँ एल्बम, यानी कुछ इरा है एल्बम का, 80s से लेके 2015 तक. और हर्ष जी ने बहुत पहले से हमें बताया था कि ये, यानी स्क्रिप्ट के अंदर पूरा स्क्रिप्ट पढ़वाया और बताया कि दिस इज द कैरेक्टर. सो इस हिसाब से हमने गाने बनाए. और कुछ रोमांटिक गाने हैं
there is one, two, three peppy songs, and it's era, any 20s, and ek era hai Bappida ka, disco ka, phir ek era hai Nadeem Shravan ka, humne ek gana kiya hai, wo us style ka gana kiya hai, jo Altaf Raja ne gaya hai, aur haan, so wo dance bar, aur wo pura era, wo hai, aur phir kuch gaane aise hi hai, jo incidental, jo gaane mein jaise scenes hai, waise banayenge. धीरे-धीरे करके अब गाने भी हमें सुनाई पड़ेंगे हम अपने रेडियो स्टेशंस पर सुनाएंगे सबको सुनाएंगे गाने बट कौन सा गाना आपको लगता है जो सबसे पहले बड़ा एकदम पिकअप होने वाला है मतलब जनता के बीच में एक गाना वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड एकदम से आते जो मतलब वैसा आग लगा देगा द टाइटल इज द हंटर सॉन्ग द हंटर सॉन्ग इज गोइंग टू बी लाइक बप्पी दा ने जो गाया है बहुत अच्छे गाया है और लिरिक्स इसके विजय मौर्य ने लिखे हैं बढ़िया लिरिक्स लिखे हैं एंड इट्स वेरी जो कैरेक्टर है उसके बहुत चिपक के लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है सो या इट विल पिक अप सारे काम बड़े सारे काम बड़े चिपक के हुए इस पिक्चर में है ना हाँ तो इसीलिए तो चिपक के करना पड़ा goes with the theme of the film yes, yes. now of course आपके साथ ही in the whole process of making music Mr. Hitesh Sonic is he here Yeah, please. Hitesh. अरे वो उधर पे आपने गाया भी है हंटर में इस बात में सच्चे थोड़ा बहुत पोर्शंस आपने गाया कि नहीं गाया इंग्लिश के पोर्शंस इज दैट करेक्ट हाँ ऐसा कुछ किया हमने ऐसा भैया इतनी मतलब मुझे कोई सीधे जवाब ही नहीं दे रहा है आज यहाँ पर क्यों इतना छुपा रहे हैं नहीं छुपाना चाहिए दिखाना नहीं चाहिए तो डू डाला समथिंग अबाउट दैट आपने गाना गाया इस मूवी में नहीं 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 गाना नहीं गाया मैंने पोर्शंस तो गाए हैं वो बैकग्राउंड में आपको कहीं फील होगा कुछ अगर एक्साइटिंग तो मेरी वजह से बाकी सब एक तरफ हितेश एक तरफ अच्छा अभी यहाँ पे खामोश यहाँ पे खड़े हैं आपके बाथरूम में एकदम अच्छा ओके इनकी तरफ देखकर सच्ची सच्ची से बताइए कौन सा गाना बेस्ट है पूरी फिल्म में सच्ची सच्ची पूरी फिल्म में मेरा फेवरेट एक गाना है जिसका नाम है बचपन 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 बिकॉज आई थिंक उस गाने से हर कोई ऑलमोस्ट रिलेट कर पाएगा और मेरे को इमोशनल गाने ज्यादा पसंद आते हैं स्वानंद किरकिरे जी ने लिखा है वो हाँ, it's a very well written song and very well composed, very well sung, sung by Amit Trivedi, composed by Khamosh, or and beautifully produced by Mr. Hitesh Sonic. Beautifully produced by me. Wonderfully produced, I should say. Now, of course, ये जो movie है, coming ... of age film, it's quirky, it's you know, it's in your face, कुछ छुपा नहीं रहे हैं सब कुछ बोल रहे हैं गोशन का किरदार सब कुछ बोल रहा है सबके आगे जब आप इसके लिए म्यूजिक जब आप बना रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक खासतौर पर जब आप बना रहे हैं तो क्या था व्हाट इज इट दैट यू केप्ट इन माइंड टू मेक श्योर दैट द फीलिंग ऑफ द फिल्म कम्स फॉरवर्ड एकदम 100% एक्चुअली मैंने पहले फिल्म देखी थी बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग जैसे हमेशा होता है तो फिल्म बिना म्यूजिक के भी इतनी अच्छी है कि मेरा काम सिर्फ ये था कि जो हो रहा है वो कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो यू नो जस्ट टू ओनली सपोर्ट इट इन अ वे वेयर क्योंकि बहुत ही सब कुछ द वे इट्स रिटन द वे इट्स परफॉर्म्ड द वे एवरीथिंग इज कम टुगेदर इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन फैंटास्टिक अभी यहाँ पे हितेश कह रहे हैं कि मेरे बिना ही फिल्म इतनी अच्छी सर हमें फ्री में पैसे दे दिए सर आपने तो इनको काम के बिना ही फिल्म इतनी अच्छी है एवरीबडी हितेश सारे के लिए हम राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम थैंक यू Alright, अब देखिए इस मूवी को बनाने के पीछे काफी सारे लोग हैं जिनका हाथ है देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल who've contributed, who've been very, very important. आज की डेट में 15 जनवरी को कितनी जरूरी है जरूरी तो जो इट्स रियलिस्टिक जो हो रहा है समाज में जो चाहिए लोगों को और जो शिवारू ऑलवेज कहता है कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट होना चाहिए तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगी ये फिल्म बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आने वाली है इस मूवी जरा भी नहीं फैंटास्टिक ना मानसी जी आप भी इस मूवी से जुड़ी हुई हैं आई वांट अ फीमेल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यही सवाल आपसे भी कि ये कितनी जरूरी है ये फिल्म ऑडियंसेस के लिए 15 जनवरी को इट्स अ फिजिकल नीड मानसी मारो लीज इन जेंटलमैन स्पीकिंग फॉर ऑल वुमेन इट्स अ फिजिकल नीड शिमारू वाले कितने कूल है यार फैंटास्टिक कीर्ति जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब ये मूवी आएगी बाहर
जनता में कौन सा ऐसा वर्ग है जो आपको लगता है इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट दिस फिल्म? पूरी फैमिली, जैसे कि अभी बोला कि देखनी बहुत जरूरी है पूरे परिवार के लिए? नहीं, बिल्कुल देखनी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन राइट फ्रॉम 14 ऑनवर्ड्स टिल 40 इट वर्क्स फॉर ऑल द ऑडियंस, 14 से लेकर 40 तक सबको, और उसके आगे भी जा सकती है। तो अगर मैं 14 साल की हूँ तो ऐसा क्या है फिल्म में मेरे लिए? एक अगर मैं पूछूं 14 से 40 तक जाएंगे बताइए। एक्चुअली ये काफी कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा है, तो आपको शायद आपकी फ्यूचर लाइफ में काफी यूज हो सकता है। सो दिस इज योर हेडलाइन फॉर टुमारो एवरीबॉडी, हंटर इज एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें, कमिंग .. ऑफ एज। और जो 40 साल के सर, वो क्या सीखेंगे हंटर देख के? वो देखेंगे कि हमने क्या गलतियां की हैं, कि ये हम लोगों ने करना चाहिए था, जो हम लोग शायद प्रॉब्ली अगली लाइफ में शायद वो यूज कर सकते हैं ये। फैंटास्टिक, आपके डायरेक्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं, पैसे लगाए हैं पिक्चर में, डायरेक्टर साहब को कुछ आप बोलना चाहते हैं मीडिया के आगे, बोल दीजिए अभी, बोल दीजिए। सॉरी, डायरेक्टर साहब को कुछ बोलना चाहते हैं बोल दीजिए अभी मीडिया के आगे, हर्ष को। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो मतलब हम लोग का एक्चुअली दोनों का साथ में, मतलब हम लोग दोनों FTIs के साथ में हैं, तो दिस प्रोसेस हैज बीन, वी हैव बीन टुगेदर इन दिस प्रोसेस फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। सो इसके ये कितने ड्राफ्ट्स बने हैं ये वो, सो मैं जितना, फर्स्ट ड्राफ्ट वाज आई थिंक अराउंड 400 पेजेस, सो वहां से लेके टिल 120 पेजेस का जो सफर था, मतलब मेरे बाल उसकी वजह से काफी गए हैं एक्चुअली। 280 पन्ने काट दिए आपके? हाँ, बिकॉज मैं ये फिल्म का एडिटर भी हूँ, तो मैं ऐसा सीधा रूथलेसली पेजेस फाड़ के फेंक देता था कि ये सब नहीं चलेगा भाई। फैंटास्टिक, हर्ष मूवी तैयार है, रिलीज के लिए तैयार है, बहुत जल्द हम सबके सामने आएगी। बताओ डायरेक्टर, हमारे मीडिया वाले जो आपकी आवाज